प्रिय दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस स्नेह प्यार के साथ आप लोग मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, मेरा भी पूरा प्रयास है कि आपको कुंडली देखने का, कुंडली के ग्रहों के, कुंडली के भाव का ज्ञान प्राप्त करें। आप लोग इसी प्यार स्नेह के साथ मेरे वीडियो को देखते रहें, मैं आपका सहयोग करता रहूँगा। आपके सहयोग के लिए मेरे प्रत्येक वीडियो मेरा मोबाइल नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी है, फिर भी मैं बोल देता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 9425308111। ये मोबाइल नंबर आपको मैं इसलिए देता हूँ कि कोई वीडियो संबंधित प्रश्न हो आप मुझसे करिए, मैं फ्री सेवा कर दूँगा, बतला दूँगा। लेकिन कोई मित्रगण अगर अपने कुंडली का विशेष विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप संपर्क करिए, उसके लिए कुछ फीस अदा करना पड़ेगा। फीस देंगे तो मैं विवेचन कर दूंगा। आप लोग के फरमाइश पे एक अच्छा वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ, शुक्र बुध शनि ग्रह की युक्ति। शुक्र बुध शनि ग्रह ये तीनों आपस में मित्र ग्रह हैं। कुंडली के अंदर आपको मैं प्रत्येक भाव में ये अगर हैं तो किस प्रकार का लाभ, किस प्रकार का हानि देते हैं, ये तीनों मित्र ग्रहों के बारे में आप सुनिए। जिसकी कुंडली में लग्न में शुक्र बुध शनि की युक्ति हो, ऐसे लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत चतुर होते हैं, बहुत चालाक होते हैं, मगर इनमें सेक्स और जिद की के कारण ये अपनी विद्वता का लाभ नहीं दे पाते। जिसके कुंडली में लग्न से दूसरे भाव में शुक्र बुध शनि की युक्ति हो, क्या बात है दोस्तों, ये पूर्ण उन्नति करते हैं, अच्छा सफलता पाते हैं, दूरदर्शी होते हैं, पराक्रमी होते हैं और इनमें कार्य करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। जिसके कुंडली में लग्न से तीसरे भाव में शुक्र बुध शनि की युक्ति हो, ऐसे लोग माता पिता से भी धन दौलत पाते हैं, ऐसे लोग समाज सेवी होते हैं, ऐसे लोग समाज में अच्छा व्यवहार बनाते हैं, दूर दूर तक अपनी पहचान बनाते हैं, बहुत कम उम्र में ही सफलता पा जाते हैं। जिसकी कुंडली में लग्न से चौथे भाव में शुक्र बुध शनि की युक्ति हो, ऐसे लोग उद्योगपति बनते हैं, ऐसे लोग प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, ऐसे लोग नेता और संसद विधायक बनते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से पाँचवें भाव में शुक्र बुध शनि की युक्ति हो, ऐसे लोग वैज्ञानिक शिक्षा पाते हैं, कानूनी शिक्षा पाते हैं या संगीतकार होते हैं, गुप्त विद्या के ज्ञाता होते हैं। जिसकी कुंडली में लग्न से छठवें भाव में शुक्र बुध शनि की युक्ति हो, ये लोग शत्रुओं से परेशान रहते हैं, मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, आलसी होते हैं, गंदी सोच रखते हैं, बुद्धि इनकी चलायवान होती है, जिसके कारण ये जीवन में हमेशा संघर्ष करते हैं। जिसकी कुंडली में लग्न से सातवें भाव में शुक्र बुध शनि की युक्ति हो, क्या बात है दोस्त, इनको सरकार से अच्छा पद मिलता है, महिला है तो लव मैरिज शादी करती है, पुरुष है तो लव मैरिज शादी करता है, योग पति पत्नी मिलते हैं और ये अपनी पहचान अपने कर्मों से ही बनाते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से आठवें भाव में शुक्र बुध शनि की युक्ति हो, ऐसे लोग बुद्धिजीवी होते हुए भी स्वास्थ्य से परेशान रहते हैं, मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, आँख की बीमारी से परेशान रहते हैं, कफ सर्दी की खांसी इनको अधिक होती है। जिसके कुंडली में लग्न से नौवें भाव में शुक्र बुध शनि की युक्ति हो, ऐसे लोग ये चौथेपन अच्छे नहीं जाते हैं, इनको मेहनत का सही लाभ नहीं होता है, नौकरी में पदोन्नति नहीं मिलती है, कई व्यापार बदलते हैं मगर सफलता नहीं मिलता। जिसके कुंडली में लग्न से दसवें भाव में शुक्र बुध शनि की युक्ति हो, ऐसे लोग कोयला मशीन जमीन गल्ला के व्यापार से उन्नति करते हैं, करोड़ों रुपए के आसामी होते हैं, इनके पास जो भी धन दौलत रहता है स्वयं का बनाया हुआ रहता है। जिसके कुंडली में लग्न से ग्यारहवें भाव में शुक्र बुध शनि की युक्ति हो, ये विदेश जाते हैं, विदेश से धन कमाते हैं, ऐसे लोग को शासन से भी पद मिलता है, ऐसे लोग छोटी नौकरी करके उच्च पद की प्राप्ति करते हैं, कई जमीन जायदाद वाहन के मालिक होते हैं।
जिसके कुंडली में लग्न से 12वें भाव में शुक्र बुध शनि की उक्ति हो, इनके चौथे पन अच्छे नहीं जाते हैं, धन दौलत इनके बर्बाद हो जाते हैं, कमाई हुई इज्जत प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाती है, इनके संतान इनके विरोधी होते हैं, कथनानुसार नहीं होते हैं और कमाए हुए धन भी भावना में इनके बर्बाद हो जाते हैं। ये छोटा सा वीडियो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया शुक्र बुध शनि की युक्ति कुंडली में किन किन भाव में किस प्रकार का लाभ हानि देता है तो सुनिए। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मुझसे करिएगा, मैं सहयोग करूँगा। इतना कहते हुए वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार।